हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ करें, क्योंकि जहां इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहां से रहमत खुदावंदी शुरू होती है। ये तो हो गई अच्छी और खूबसूरत बात। रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी शेयर करते हैं आपके साथ। आज रेसिपी बना रहे हैं हम बड़े मज़ेदार से मटन के सिरी पाए। सिरी पाए हम मिक्स करके बनाएंगे। ये देखें, ये एक पूरी सिरी है, कटिंग हुई हुई है। इसके अलावा ये चार पाए हैं मटन के, ये देखें। तीन मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको चॉप कर ली। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 4 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, एंड 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं किस तरीके से बनता है। ये देखिए, ये एक वॉक लिया मैंने इसमें सबसे पहले ऐड करना है पानी। एक जग ऑलमोस्ट 4 ग्लास पानी डालने हैं मैंने। देखिए, मैं चाहती हूँ तो मैं कुकर में भी बता सकती थी कि मैं कुकर में बना रही हूँ, बट हमने कुकर में नहीं बनाना, क्योंकि कुकर में इंस्टेंटली फौरन से गल जाते हैं, कर जाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता जो जो स्लो स्लो पकने में जो पकता है और फिर जो टेस्ट आता है उसका। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। सबसे पहले मैं इसमें सिरी ऐड करूंगी। ये देखें, सिरी गई हमारी, फिर ये पाए गए, देन नमक एंड हल्दी पाउडर, इसको अब हमने मिक्स करना है। ये इसे मिक्स कर देते हैं और अब इसमें प्याज भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, अब इसको हम एक दफा फुल फ्लेम करेंगे, फिर उसके बाद हम मीडियम फ्लेम करके इसको कवर कर देंगे और ये इसी में बहुत अच्छे से हमारे पाए को हमें गलाना है। ये देखिए, जितना पकेगा उतना ही टेस्ट आएगा। ये देखें, इस तरीके से मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब फुल फ्लेम करके मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं हम, फिर बताते हैं क्या करना है इसको। मैं इसको कवर करती हूँ, इसको थोड़ी देर बाद चेक करते हैं जब तक इसमें बॉयल आए। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपोजिट में हटाएं। ये देखें किस तरीके से इसमें बॉयल आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से जबरदस्त। ये देखें, मैं चाहती तो मैं इसको कुकर में भी बना सकती, बट कुकर में फौरन से बन जाता है, क्विकली खाना तैयार हो जाता है, हर चीज गल जाती है, बट मुझे इसको गलाना नहीं है, मुझे इसमें टेस्ट लाना है। और टेस्ट के लिए ये जितना टाइम पकेगा उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। आपने भी अब बनाना है तो कुकर में नहीं बनाना है। ये देखिए, किसी पतीले में बना लें आप, इसमें बना लें। देखिए, अब इसमें बॉयल आ चुका है, इसकी फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं, मीडियम लो, और इसके बाद फिर हम इसको कवर करके रख देते हैं। फिर इसको आप ऑलमोस्ट 2 घंटे के लिए पकने दें, 1 से 1.5 घंटा पका दें। चलें फिर इसके बाद इसको चेक करते हैं, फिर बाकी के मसाले इसमें ऐड करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या करते हैं हम। चले व्यूअर्स, चेक करते हैं, 1.5 से 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से, इसका कलर देखें आप, देखें पक पक के कितने अच्छे से हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल सही जो हम चाह रहे थे इस तरीके से ही हुआ है। देखें, अब आपने इसमें ऑलमोस्ट 2 घंटे आपने इसको इसके साथ हल्दी और नमक के साथ इसको पकाया है। देखें कितना अच्छा सा उसका कलर हो गया है। चलें अब इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गया हमारा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अब इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। ये देखें 1 कप ऑयल गया सारा। अब इसको मिक्स करते हैं, ये देखें इस तरीके से को मिक्स करके इसकी हम बुनाई करते हैं। ये देखिए, फ्लेम को आप थोड़ा हाई कर दें ताकि ये अच्छे से इसमें से बुनाई हो जाए इसकी। चलो ये देखें इसकी बुनाई करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर जबरदस्त सा। ये देखिए,
बैंगन के सिरी और पाए मिक्स करके पकाएं, बहुत मजे के, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये आपने बनाने हैं और ट्राई करना है, ठीक है। चलिए इसकी बुनाई करते हैं। ये देखिए इसकी मैंने कितनी टाइटली 10 मिनट्स तक मैंने इसकी बुनाई करी है। ये देखें, आप देख सकते हैं ऑयल किस तरीके से सेपरेट हो चुका है, बिल्कुल तरी आ गई है, बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। बुनाई करते करते बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखें, हमारे घर में सबकी फेवरेट है ये, हमारे घर में अच्छा खाना पसंद करते हैं सब, यानी कि ये देखिए इस तरीके से मैंने बुनाई कर दी है। ऑलमोस्ट पहले हमने इसको नमक, हल्दी और प्याज डाल के 2 घंटे तक बनाया था, फिर इसकी बुनाई करी हमने। अब दोबारा से अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 जग मैंने इसमें पानी ऐड कर देना है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। अब इसको अब आपने स्लो फ्लेम करके इसको पकाना है, ऑलमोस्ट 2 घंटे तक दोबारा इसको आपको कुक करना है, ताकि ये अच्छी सी और गल जाए। जितना ही गलेगी और जितना ये पकेगा इसमें उतना ही टेस्ट आएगा। चलिए अब मैं इसको फ्लेम स्लो कर देती हूँ। ये देखें मैंने इसको अब कवर कर दिया है। अब इसको हम स्लो फ्लेम करके 2 घंटे तक पकाएंगे, फिर इसको चेक करेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं इसको, चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये अच्छे से गल भी गए हैं हमारे मटन के सिरी एंड पाए। ये देखें मिक्स हमने बनाए थे, देखें कितना अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है, ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से इसका अच्छा सा टेक्सचर तैयार हो गया है और बहुत अच्छी, बहुत डिलिशियस खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा सालन बनता है ये। चलें इसे सर्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा हम पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देते हैं पहले सर्विंग डिश में निकालने से पहले, एंड थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। ये देखें इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्चें बारीक, ये देखें। चलिए अब इसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए मटन के पाए एंड सिरी बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़ेदार और बहुत डिलिशियस बने। आपने इसी तरीके से बना के ट्राई करने और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपके कैसे बने थे। तो इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।